हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने जा रहे थे ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन यानी चैप्टर 18 ऑफ सीआरपीसी। ये चैप्टर डील करता है कि किस तरीके से ट्रायल चलता है कोर्ट ऑफ सेशन में, यानी कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल का क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन फिर इसके अंदर जाने से पहले मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर बात हो जाए कि सेशन कोर्ट होता क्या है, क्योंकि कई बार कई लोगों के दिमाग में बहुत डाउट होता है कि सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फ़र्क है, सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जज में क्या फ़र्क है, सीजेएम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आती है, सेशन कोर्ट के ऊपर आती है या नीचे आती है। तो कई बार कई लोगों के दिमाग में इस चीज़ का डाउट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि सेशन कोर्ट क्या होता है। सेशन कोर्ट जो होता है असल में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। जैसे इंडिया के अंदर जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, जिसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया में है, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है पूरे राज्य में होता है, पूरे स्टेट में होता है। अब जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे शहर भी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हम लोग इसी को सेशन कोर्ट भी कहते हैं। सेशन कोर्ट इसको तब कहते हैं जब ये क्रिमिनल मामले देखता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग सेशन कोर्ट तब कहते हैं जब वो क्रिमिनल मामले देखता है। जब वो सिविल मामले देखता है तब हम लोग इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो जज उसको प्रिसाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं सेशन जज। जब वो क्रिमिनल मामले देखता है, जब वो सिविल मामले देखता है तब हम लोग उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। आदमी एक ही होता है, जज एक ही होता है, तो सेशन कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट को जो चलाता है वो जज होता है। उसके नीचे जो कोर्ट आते हैं उसके अंदर मैजिस्ट्रेट होते हैं। इसीलिए जब आप इलाहाबाद का, जैसे इलाहाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, इलाहाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके नाम के आगे जानते क्या लिखा रहता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जैसे ABC कोई नाम है उसके आगे लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। खाली डिस्ट्रिक्ट जज नहीं लिखा होता है, लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जब आप इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइट खोलेंगे तो उस पर लिखा रहेगा जो भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका नाम के आगे लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। यानी डिस्ट्रिक्ट जज भी है, सेशन जज भी है। सेशन जज कब? जब क्रिमिनल मामले देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज कब? जब सिविल मामले देख रहे हैं। तो जज एक ही होता है, और ये कोर्ट जो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यही असल में सेशन कोर्ट होती है। अब यहां से अगर कोई फैसला आ जाता है तो फिर आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में। तो यानी अगर कोई कहे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई फैसला आया है तो भी हाई कोर्ट आप जाएंगे, सेशन कोर्ट से कोई फैसला आया है तब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे, तो क्योंकि दोनों कोर्ट एक ही है। अब इसके बाद बहुत से एडिशनल इसके अंदर सेशन जज होते हैं, बहुत सारे एडिशनल सेशन जज होते हैं। तो वो जो एडिशनल सेशन जज होते हैं उनके नाम के साथ भी यही लिखा रहता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब एक सवाल ये भी कि सेशन कोर्ट और सीजेएम कोर्ट में क्या फ़र्क होती है। देखिए सीजेएम कोर्ट जो होती है इसमें मैजिस्ट्रेट होता है, जैसे अभी हमने बताया कि सेशन कोर्ट में जज होता है और सीजेएम कोर्ट में मैजिस्ट्रेट होता है। सीजेएम मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन को कवर करेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो अपराध होते हैं या जो भी ऑफेंसेज होते हैं उसका डायरेक्ट संज्ञान कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेता है। यानी आप डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, या कोई अपराध का संज्ञान वो नहीं लेता है, या तो कोई अपराध उसके पास नहीं जाता है। संज्ञान कौन लेता है? जैसे जनरली जो होता है सीजेएम कोर्ट के पास, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। तो अब जैसे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, मान लीजिए उसके पास जो है आपने जाके कोई कंप्लेंट लिखी, कंप्लेंट करी, जो हम लोगों ने कंप्लेंट का क्या प्रोसीजर है जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सीआरपीसी में। तो अब यहां पे जो संज्ञान लेगा तो वो मजिस्ट्रेट लेता है, तो सेशन कोर्ट जो है वो संज्ञान नहीं लेता। सेशन कोर्ट के पास मजिस्ट्रेट केस भेजते हैं जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है अंडर सेक्शन 209। जब उनको लगता है कि ये केस तो असल में सेशन कोर्ट द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए, तो वो कोर्ट उस केस को कमिट करते हैं, यानी भेजते हैं सेशन कोर्ट के पास। सेशन कोर्ट डायरेक्ट अपराधों का संज्ञान नहीं लेता है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है इसके जिसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी आप समझ लीजिए आम तौर पे आप सेशन कोर्ट में जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई मामला चल रहा है, आपको जाना पड़ेगा जो जैसे सीजेएम कोर्ट हो गया। आप सीजेएम कोर्ट के पास आप गए, सीजेएम कोर्ट ने आपका मामला देखा, उसको लगा कि ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा जो है ट्राई किया जाना चाहिए, तो वो कमिट करता है। अब ये जो सेशन कोर्ट होते हैं, ये सेशन कोर्ट के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 9 के अंदर बताया गया। ये बताया गया कि सेशन कोर्ट को जो है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये हर सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट बनाता है। ये बता रहा है सेक्शन 9, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। अब इसके अंदर जो सेशन जज होगा वो हाईकोर्ट अपॉइंट करेगा।
अब हाई कोर्ट जो है एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकता है। अब इसके अंदर बता रहा एवरी कोर्ट ऑफ सेशन जज शैल बी प्रेसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है कि सेशन कोर्ट की जो सीट है वो वैकेंट है, खाली है, कोई नहीं है, तो उस केस में या तो उसकी सीट जो है वो एडिशनल सेशन जज भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है उसके केसेस को, असिस्टेंट सेशन जज भी, और अगर वो भी नहीं है तो उस एक्सेप्शनल केसेस में सीजेएम भी कर सकता है। तो जो सीजेएम की कोर्ट होती है ये इसके नीचे आती है, यानी सेशन कोर्ट के नीचे सारी क्रिमिनल कोर्ट्स की जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती है वो सारी नीचे आती हैं, सीजेएम की कोर्ट जो है सेशन कोर्ट के नीचे आती है। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले समझ लिया है कि सेशन कोर्ट किसे बोलते हैं।